कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में मैंने दो चीजें महत्वपूर्ण बताई, सुनना और बोलना। दोनों का महत्व कितना है ये सब मैंने बताया, सुनना कैसे है ये भी मैंने बताया, बोलना कैसे है ये भी मैंने बताया, बोलने का महत्व बताया। लेकिन आखिर में सुनना बोलना ये दोनों के बीच का संवाद होता है। कम्युनिकेशन यानी क्या? दोनों के बीच का संवाद। सो इट इज कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल। और ऐसे वक्त में कुछ चीजों का हमें ख्याल रखना है या फिर कुछ चीजों के बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस संवाद से ही हम संबंध बनाते हैं या संबंध तोड़ते हैं। ये संबंध टूटने नहीं चाहिए। इसलिए संवाद का प्रयोजन क्या है कि हमें कामयाब होना है। याद रखना, ये पूरा सेमिनार हमने किस लिए शुरू किया है, वेबिनार, कि हमें कामयाब होना है जीवन में। और कामयाब होने के पीछे सबसे जरूरी कुछ है तो वो है लोग। आप जितने लोगों से जुड़ेंगे उतनी ही आपकी कामयाबी तय, और जितने लोगों को आप दुख देंगे उतने ही आपके दुश्मन ज्यादा बनते जाएंगे और आपको जीवन में सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाएगा। और अगर मिला भी, इवन इफ यू आर सक्सेसफुल, यू विल बी इन ट्रबल, यू विल बी इन स्ट्रेस, बिकॉज सभी लोग आपको नीचे खींचने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए सदगुरु जी का एक अमृत तुषार है, कौन कैसे कहां कब मदद करेगा ये हम नहीं जानते। इसलिए सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में ही सच्ची समझदारी है। ये सदगुरु जी का ये जो सिद्धांत है इसे हमें बराबर याद रखना है और उस हिसाब से हमारा संवाद होना चाहिए। और मैं धीरे धीरे कम्युनिकेशन स्किल्स का ही उपयोग करते हुए आपको मैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट की तरफ ले जा रहा हूं, क्योंकि आखिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। और रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण मुद्दा या महत्वपूर्ण अंग वो है संवाद, याद रखना। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स और रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए धीरे धीरे ये चर्चा आगे बढ़ा रहा हूं। इफेक्टिव लिसनिंग यानी इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, ये पहले याद रखना। लिसनिंग यानी सिर्फ सुनना नहीं है, क्या कह रहा है सामने वाला ये समझना, इसे लिसनिंग कहते हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि संवाद किस लिए करना है, सफलता पाने के लिए करना है। उस दिशा में हमें हमारा संवाद कौशल्य बढ़ाना है। तीसरी बात जो मैंने बताई कि शब्दों का इस्तेमाल योग्य तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शब्द धारदार होते हैं और वो धार लोगों का हृदय चीरने के लिए काफी है, लोगों के संबंध बिगाड़ सकती है। लेकिन शब्दों को अगर आपने आधार दिया, विश्वास का, प्रेम का, यह आधार अगर आपने दिया तो आपका जो हेतु है, संवाद का जो हेतु है, वो आपका सफल होगा। फिर मैंने महत्वपूर्ण बात कही थी स्वाभिमान और अहंकार के बीच का फर्क बताया, कि स्वाभिमानी मनुष्य जो होता है वो दूसरों के अहंकार की कद्र करता है। वरना स्वाभिमान यानी मैं सिर्फ मेरा अभिमान देखूंगा और बाकी लोग गए भाड़ में, ऐसा नहीं होता। इसलिए स्वाभिमानी इंसान वो है जो दूसरों के अहंकार की कद्र करे। और आप जब दूसरों के अहंकार की कद्र करते हैं तब दूसरे लोग आपके अहंकार की कद्र करते हैं और आपके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचती, याद रखना। इसलिए आपको स्वाभिमानी होना है तो आपको सबसे पहले दूसरों के अहंकार की कद्र करनी होगी। और सदगुरु जी सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है, सदगुरु जी का सिद्धांत है कि दूसरों के अहंकार का जतन करें और स्वयं के अहंकार का दमन करें। ये सदगुरु जी का जो सिद्धांत है ना, ये हमारे पूरे कम्युनिकेशन स्किल्स और रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मूल सूत्र है। इट इज अ रियल, क्या कहते हैं उसे, दोनों में महत्वपूर्ण अगर कुछ होगा, आपको अहंकार की कद्र करनी होगी और खुद के अहंकार को दबा देना ये बहुत ही जरूरी है। अब अहंकार की कद्र करनी है तो कहां कहां करनी है? हर जगह कद्र करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कम्युनिकेशन में जब हम ग्रुप में होते हैं या फिर जब दो लोग होते हैं कम्युनिकेशन में, तब आर्ग्यूमेंट्स होने की संभावना होती है। आर्ग्यूमेंट से भी पहले क्रिटिसिज्म होती है। हम हमेशा ज्यादातर लोगों दूसरों को क्रिटिसिज्म करने की कोशिश करते। क्रिटिसिज्म यानी क्या? दूसरों की निंदा करना, दूसरों की गलतियां निकालना, ये सारी चीजें क्रिटिसिज्म में ही आती है। इसलिए पहली चीज जो करनी है, हमें सतर्क कहां रहना है, तो अवॉइड क्रिटिसिज्म सबसे महत्वपूर्ण बात है। अवॉइड क्रिटिसिज्म, जब हम लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं तब हम दुश्मन निर्माण करते हैं, याद रखना।
क्योंकि क्रिटिसिज्म किसी को भी पसंद नहीं होता, याद रखना, क्रिटिसिज्म किसी को भी पसंद नहीं। सभी को प्रशंसा ही अच्छी लगती है, क्रिटिसिज्म किसी को पसंद नहीं। इसलिए क्रिटिसिज्म करते वक्त हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। सच कहूं तो सतर्क रहने के बजाय क्रिटिसिज्म करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। ब्लेम गेम, जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तब वो ब्लेम दूसरों पर धकेलने की कोशिश करता है, जो दूसरा है वो तीसरे पर थोपने की कोशिश करता है। इस तरह से एक ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। और क्रिटिसिज्म करने में कोई दिमाग तो नहीं लगता है ना। एनी फूल कैन डू इट, एनी फूल कैन क्रिटिसाइज अदर्स। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, खुद काम करना बहुत मुश्किल होता है, याद रखना। इसलिए एनी फूल कैन डू इट। तो आपको फूल बनना है, अगर नहीं तो क्रिटिसिज्म डालिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कौन सी है, क्रिटिसिज्म व्यर्थ होता है, कुछ भी उसमें से मार्ग नहीं निकलता। हम कहते हैं क्रिटिसिज्म करने पर अच्छा अच्छा लगता है, मतलब अंदर से हमें, आजकल की भाषा में उसे भड़ास कहते हैं, हमारा गुस्सा बाहर निकालना बहुत अच्छा लगता है, करने वाले को अच्छा लगता है, सुनने वाले को अच्छा लगता है, याद रखना। और उसमें से ही ब्लेम गेम शुरू होता है, और उसमें से हमारा उद्देश्य हासिल नहीं होता। कि हम आलोचना किस लिए करते हैं, कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने के लिए करते हैं, जो इशू है वो सॉल्व होने के लिए हम आलोचना करते हैं। लेकिन आलोचना करने के बाद वो इशू रह जाता है अलग, वो ब्लेम गेम शुरू होता है, ब्लेम गेम। और एक दूसरे से दुश्मनी निर्माण होने के बाद वो आपकी निंदा करना शुरू करते हैं, वो राह ही देखता रहता है। एक बार आपने निंदा कर दी ना, उस वक्त अगर वो झूठा साबित हुआ तो वो राह ही देखता रहता है कि आपकी निंदा कब कर सके, वो राह ही देख रहा होता है। इसलिए ये क्रिटिसाइज करके किसी का भी भला नहीं हुआ है, किसी का भी भला नहीं हुआ है। इसलिए क्रिटिसिज्म करने में मजा तो खूब आता है, बहुत मजा आता है, लोगों की निंदा करने में बहुत मजा आता है। मजा है यानी आनंद है एक अलग तरीके का, लेकिन वो सच्चा आनंद नहीं होता, याद रखना। उसमें से आपको आनंद नहीं मिलेगा, उल्टा आपको दुख ही मिलेगा आगे चलकर। इसलिए सबसे जरूरी क्या है कि अवॉइड क्रिटिसिज्म। एक बार आप क्रिटिसाइज करने गए लोगों को कि छट से वो डिफेंसिव हो जाते हैं तुरंत, और वो अपनी वजह बताने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ ये बताने के बजाय वो डिफेंसिव हो जाता है, और वो अपने आप को डिफेंड करने में ही सारा समय बर्बाद कर देता है। और सच कहूं तो किसी के दोष दिखाना, असल में हम दोष क्यों दिखाते हैं, कि उसमें से कुछ अच्छा हो इसलिए दिखाते। लेकिन आजकल क्या होता है कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने की वजह से वो दोष तो इम्प्रूव होते ही नहीं, और उस एक अलग ही मोड़ मिलता है। इसलिए अवॉइड क्रिटिसिज्म, ऐसा कहा है। अब आजकल आपने देखा ही होगा कि मैं दो एग्जाम्पल देता हूं, एक पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल लेता हूं। आज जब इलेक्शन होता है तब एक दूसरे पर जो टिप्पणी करते हैं, एक दूसरे की सारी गलतियां बताते हैं, इससे क्या फायदा होता है, कुछ भी फायदा नहीं होता। अखबार में सिर्फ बड़ी सी खबर आती है, लेकिन उस वजह से दूसरे आदमी तुरंत उसकी गलतियां निकालने लग जाए, मतलब हमारी जो खामियां है ना उन्हें छपवाने में इसकी मदद होती है। मतलब अगर लोगों को पता नहीं आपकी क्या खामियां हैं कि दूसरे लोग वो बता देते हैं, इससे कभी भी फायदा होता नहीं, याद रख। आखिर दोनों को सुलह करनी पड़ती है, और फिर क्या कहते हैं उसे, लोगों के लिए वो मजे की बात होती है, लोगों को वो एक मजेदार प्रोग्राम, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बन जाता है लोगों के लिए। इसलिए पॉलिटिकल लीडर को भी याद रखना चाहिए कि हम जब निंदा करते हैं तब खुद की भी निंदा की अपेक्षा, मतलब होने ही वाली है सामने वाले से, याद रखना है। जैसे एक्शन वैसे रिएक्शन होगी, इसलिए निंदा करने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, मुझे हमेशा बताने की इच्छा होती है पॉलिटिकल लीडर्स को, आप जब इलेक्शन कैंपेन करते हैं तब क्या कहना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूं, ये बताना चाहिए। मैं लोगों का भला कैसे करूंगा, ये बताना चाहिए। मेरे पास जो भी आइडियाज होंगे वो संक्षिप्त में बताने चाहिए कि मैं ये योजनाएं चलाने वाला हूँ, मेरी प्रायोरिटीज क्या है, ये बताना चाहिए कि मैं पहले आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, फिर ये सॉल्व करूंगा, फिर वो करूंगा। ऐसा अगर लोगों के हमने बताया और प्रोफेशनली आपने रखा अगर ये लोगों के सामने, लोग बिल्कुल इम्प्रेस होंगे, लोग आपको ही मत देंगे। लेकिन हुआ क्या है कि आजकल सिर्फ एक दूसरे को टॉन्टिंग करना, निंदा करना, बुराई करना एक दूसरे की, यही हो रहा है। इसमें से कुछ भी अच्छा नहीं होता, उल्टा उनकी बदनामी होती है, फिर से एक साथ आना ही पड़ता है। खैर, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार में कुछ पति या कुछ पत्नियों को आदत होती है कि अपने ससुराल का, मायके वालों के लोगों की खिल्ली उड़ाना, उनकी निंदा या बुराई करना, उनको क्रिटिसाइज करना। इससे
अपने पारिवारिक रिलेशन में अच्छा बदलाव नहीं आएगा। याद रखना है, मेरे पास अब केसेस आती है काउंसलिंग की, वो मैं देखता हूं तो पति को आदत होती है कि एक तरफ मैंने देखा है कि पति को पत्नी के मायके वालों की निंदा करने में मजा आता है और हंसते हंसते करता है वो, उसे लगता है कि उसने मजाक किया और अरे मजाक कब मसला बन जाए पता नहीं चलता और हो ही जाता है। आप अगर किसी के माँ बाप के बारे में बोलोगे किसी को अच्छा नहीं लगता और हम बोल के क्या हासिल करते हैं? हमारा अगर रिलेशन है उनके साथ तो उनके बारे में अच्छा बोलने में क्या जाता है, लेकिन हम वैसा नहीं करते, हम एक दूसरे की निंदा बुराई करने में ही और हंसते हंसते मजे लेकर करते हैं हम, ये मजा आखिर सजा बन जाती है, याद रखना। इसलिए कभी भी किसी की भी निंदा करने की कोशिश न करें। एक बड़ा चार्ल्स कॉब नाम के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रह चुके हैं, उनका नाम चार्ल्स कॉब, ही इज अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। उन्होंने एक बार कहा है ऐसा कि I will never speak ill of anybody. गौर कीजिए, I will never speak ill of anybody. If at all I have to speak, I will speak good about everybody. ऐसा उन्होंने कहा है। यानी कितने वो सतर्क थे, याद रखना। जब जब उन्हें बोलने की इच्छा होगी तब तब वे अच्छा ही बोलेंगे, ऐसा उन्होंने अपने आप से निश्चय किया है। और हम भी आज यही निश्चय करेंगे कि जब जब मैं बोलूंगा ना, मैं अच्छा ही बोलूंगा। सदगुरु जी हमेशा कहते हैं कि आप प्रशंसा पब्लिक में करें और अगर आपको निंदा करनी है, कुछ बुराई करनी है, तो वो प्राइवेट में कहना, यानी पब्लिक में उसे बेइज्जत न करें, ऐसा सदगुरु जी हमेशा कहते हैं। इसके कारण यही है कि लोगों को अच्छा नहीं लगता खुद का अपमान होते हुए देखना। इसलिए चार्ल्स कॉब का ही एक वाक्य है, वो बताता हूँ। उन्होंने ऐसा कहा है, आई एम येट टू सी अ मैन Who did not do better or put forth greater efforts in the spirit of approval rather than in the spirit of criticism? ऐसा कहा है उन्होंने। यानी उनका ऐसा कहना है कि कोई भी आदमी, उसको अगर अपने एफर्ट सुधारने हैं, हार्डवर्क करना है, उनसे अगर आपको अच्छा काम करवाना है, तो स्पिरिट ऑफ अप्रूवल इज इम्पॉर्टेंट, स्पिरिट ऑफ क्रिटिसिज्म इज नॉट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि क्रिटिसिज्म अगर आप करते हैं तो उनसे कभी अच्छा काम नहीं होगा। ही विल ऑलवेज बिकम डिफेंसिव, ही विल ऑलवेज प्ले द ब्लेम गेम एंड ही विल नेवर गिव यू द रिजल्ट्स यू वांट। ये याद रखना। इसलिए आपको अगर रिजल्ट्स अच्छे चाहिए तो आप क्रिटिसिज्म टालिए। ये जो चार्ल्स कॉब नाम के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका बड़ा स्टील प्लांट था। उस स्टील प्लांट में कुछ लोग ठीक से काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने जब जाकर देखा प्लांट में, तब उन्होंने दिखाई दिया कि कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे। उन्होंने जाकर कहा नहीं कि तुम ये नहीं कर रहे हो तो ठीक से, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने सबको बुलाकर सबकी प्रशंसा की, आपकी वजह से सब ठीक चल रहा है, लेकिन आज से मैं एक प्रतियोगिता रखने वाला हूं। हर किसी को अपने यहाँ एक बोर्ड लगाना है और अपना प्रोडक्शन कितना हुआ वो लिखना है, फिर देखेंगे हम। प्रतियोगिता थोड़ी अच्छी थी, स्वस्थ प्रतियोगिता करेंगे हम, देखते हैं क्या होता है। ऐसा कहकर अलग अलग उपाय आजमा कर उनको काम करने को प्रोत्साहित किया और उनसे अच्छा काम निकलवाया। ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं सब कुछ नहीं बता सकता। बताना क्या चाहता हूं मैं कि स्पिरिट ऑफ क्रिटिसिज्म विल नेवर हेल्प एंड स्पिरिट ऑफ अप्रूवल, स्पिरिट ऑफ अप्रिसिएशन, स्पिरिट ऑफ एडजस्टमेंट विल ऑलवेज हेल्प यू। इसलिए आपको सफलता प्राप्त करनी है तो ये साधना आपको करने की जरूरत है। ये साधना है, एक दिन में हासिल नहीं होगी या फिर आपने सुन लिया एक वेबिनार, समझ लिया, ऐसा नहीं होता। इसलिए वेबिनार बार बार सुनना चाहिए आपको, मन पर आपको अंकित करना है हर एक शब्द जो मैं बोलता हूँ, क्योंकि हर वाक्य बहुत लोडेड है। ये याद रखना, हर वाक्य लोडेड है, हमारे पास वक्त नहीं होता, इसलिए संक्षिप्त में बता, लेकिन हर बात मन में अंकित करनी है और हमारे संवाद में, हमारे रिलेशनशिप में वो व्यक्त होना चाहिए।